नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 2299 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 2499 या उसके अंदर मिलती है तो काफी अच्छी डील है। बॉक्स में आपको मिलते हैं स्ट्रैप्स के दो पेयर, एक सिलिकॉन के और एक स्टेनलेस स्टील का। ये है मिडल स्ट्रैप्स। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है कॉलिंग रेंज 10 मीटर, मतलब कि आपके फोन और स्मार्ट वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का अंतर होना चाहिए तभी आपकी वॉच में कॉल का फीचर काम करेगा। इसमें है 1.39 इंच का TFT डिस्प्ले, SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, AI वॉइस असिस्टेंट और ये है IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। इसमें आपको मिलती है मेटल बॉडी, जिंक एलॉय का केस यूज किया गया है और जो स्ट्रैप्स है ये सिलिकॉन के, हालांकि आप चाहो तो स्टेनलेस स्टील के भी स्ट्रैप यूज कर सकते हो, मतलब कि स्ट्रैप्स और डायल दोनों मेटालिक है। ये है साइड बटन। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2 एनहांस्ड सेंसर, यहाँ पे माइक और ये है स्पीकर। जो स्ट्रैप्स है 22mm के है। ऊपर में है मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप होल्डर। आप अगर चाहो तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, फिर ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और ऊपर वाले होल में इंसर्ट करना है इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो, या फिर अपने पावर बैंक से भी अपने वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको इसे करना है ओपन। आप अपना जेंडर यहां से चूज कर सकते हो, मेल फीमेल चूज कीजिए। इसके बाद आपको अपनी बर्थडे सेट करनी है, डेट मंथ और ईयर। इसके बाद आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट केजी में सेट कीजिए। टिक पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। ऊपर में लिखा होगा टू ऐड, आपको उस पर टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। फिर आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको यहाँ पे शो करेगा BSW 049, ये रहा, आपको इस पे टैप करना है। डिवाइस के टैब में जाना है और यहाँ पे आपको शो करेगा बैटरी लेवल, मतलब कि समझ जाना कि आपकी जो वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है आपके फोन के साथ। फिर आपको मिलेगा पेयर करने के लिए पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हो जाएगा, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको वॉच फेस को कैसे चेंज करना है। तो आप इस तरीके से टैप करके वॉच फेस को 1 टैप में चेंज कर सकते हो। अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको जाना लास्ट में और यहाँ पे होगा प्लस का साइन, आपको उस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 250+ वॉच फेसेस। अगर आपको इनमें से किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। मुझे एक ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड करना है जिसमें बैटरी लेवल परसेंट में शो करें, तो मैं एक ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड करना चाहूंगा। तो ये रहे वो वॉच फेस। तो आपको डाउनलोड करना है तो टैप कीजिए डाउनलोड। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे बैटरी लेवल भी परसेंट में शो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आपको जाना है वॉच फेस नंबर 2 पे, यहाँ पे लिखा होगा एडिट, आपको उस पर टैप करना है। आप इन प्रीसेट को भी एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद की फोटो सेट करनी है तो जाइए लास्ट में, यहाँ पे होगा प्लस का साइन, उस पर टैप कीजिए। गैलरी को ओपन कीजिए, जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो और फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो कर रहा है, आप चाहो तो इसे नीचे कर सकते हो। यहाँ पे है टाइम पोजिशन, हम करेंगे इसे बिलो, मतलब की नीचे। फिर ये है अबो टाइम बिलो टाइम, मतलब की टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। तो मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर शो करे स्टेप्स और टाइम के नीचे शो करे डेट। इस तरीके से कोई भी दो चीजों को आप शो कर पाओगे टाइम के ऊपर नीचे। और जो टेक्स्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, यहां से आपको जो कलर सेट करना है सेट कीजिए और कीजिए सेव। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो।
आप अपनी वॉच में एक साथ 10 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि वॉच फेस नंबर 2 और जो 10 है वही चेंज होते हैं, बाकी वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी वॉच के जरिए भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और फिर आप ऐसे स्वाइप करके वॉच फेस के बीच में स्विच कर पाओगे और जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए। सेट करने के लिए आगे है नोटिफिकेशन, इस पर टैप कीजिए, फोन को ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप अपने कॉल्स अपनी वॉच में रिसीव कर सको। मैसेज को भी ऑन कीजिए, एसएमएस के लिए अलाउ कीजिए, और इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है अपनी वॉच में, आपको इन ऐप्स को ऑन करना है। इस तरीके से इनेबल पे टैप कीजिए, दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी ऐप्स अवेलेबल है उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपके वॉच में शो करे तो आपको अदर्स को ऑन करना है। हालांकि मैं अदर्स को ऑफ ही रखूंगा क्योंकि अदर्स को अगर मैंने ऑन किया तो बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा मेरी वॉच में। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है, इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। कॉन्टेक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। आपको यहां पे मिलेंगे 3 ऑप्शंस, कॉल को कट करने का, एक्सेप्ट करने का और कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का। तो अगर आप इसे करोगे एक्सेप्ट तो अब आपको मिलेंगे यहां पे 4 ऑप्शंस, आप कॉल के वॉल्यूम को यहां से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन, तो जो कॉल है चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल चले फोन में तो आपको इस पर टैप करना है, कॉल जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा फोन में, अगर आप चाहते हो वापस वॉच में आना तो टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर पाओगे वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आपने अपनी वॉच में माइक को म्यूट किया तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और लास्ट में है इस कॉल को कट करने का ऑप्शन। इस वॉच में रिंगटोन को म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर आप अपने फोन को साइलेंट पे सेट करते हो फिर भी आपकी वॉच में रिंगटोन बजेगी ही। तो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी वॉच में रिंगटोन बजे तो आपको अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ करना है। उसके लिए आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और जो BSW049 है उस पर टैप कीजिए। अभी हो जाएगा कॉलिंग के लिए अनपेयर। ऐसे में अगर आपको कोई कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन और आपको मिलेगा इस तरीके से कॉल का अलर्ट जिसमें आपको कॉन्टैक्ट का नाम है नंबर शो करेगा। आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस इस कॉल को कट करने का और इस कॉल के प्रीव्यू को यहां से रिमूव करने का। तो अगर आप इसे रिमूव करोगे तो यहां से रिमूव हो जाएगा लेकिन कॉल जो होगा चालू रहेगा आपके फोन में। हालांकि आप ऐसे में अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है रिंगटोन के साथ तो आपको फिर उस सेम BSW049 पे टैप करना है और ये हो जाएगी कनेक्टेड। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, वॉच में होता केवल वाइब्रेशन, तो आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। ये रहा वो SMS। तो SMS का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा सबसे ऊपर में और यहां पे होगा आपका मैसेज का कंटेंट। हिंदी फॉन्ट पार्शियली सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और यहां पे आप रीड कर पाओगे 4 से 5 लाइन, नीचे यहां पे शो करेगा डेट और टाइम। अगर आपने यहां पे लिखना मिस कर दिया तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप, यहां पे आपके शो करेंगे मैसेज, आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, डिस्प्ले को आपको ऑन करना पड़ेगा। हालांकि वॉच करती वाइब्रेट, डिस्प्ले को ऑन कीजिए। ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा ऊपर में, व्हाट्सएप का आइकन और ये है मैसेज के कॉन्टेंट। और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आप अपने पिछले 5 मैसेज को रीड कर पाओगे एक साथ, और अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो यहां पे है क्लियर ऑल का बटन सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। ये है अलार्म्स को ऐड करने का ऑप्शन, तो आप यहां से अलार्म को ऐड कर सकते हो, इस पर टैप कीजिए। आपको टाइम पे टैप करना है, टाइम को सेट करने के लिए ये है आवर और ये है मिनट। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है, फिर करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 अलार्म्स को ऐड कर पाओगे और जो भी आप अलार्म्स ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। ये है शटर, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। व्हाइल इन द ऐप पे टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन, तो आपको अपने वॉच में जो शटर है उस पे टैप करना है। 3 सेकंड के टाइमर के बाद आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो, तो आप टैप करके या शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। जो भी फोटो कैप्चर आप करोगे आप यहां से उसे देख पाओगे,
फ्लैश को आप यहां से ऑन ऑफ कर पाओगे और यहां से कैमरा को कर पाओगे रोटेट। ये है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने चुनिंदा 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इस पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए, जिस किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको सेव करना है उस कॉन्टैक्ट के सामने जो नंबर है आपको उस पे टैप करना है, इस तरीके से टिक हो जाएगी। तो मैं इसे कोई भी 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं सिम, उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके इन्हें ड्रैग करना है ऊपर नीचे करने के लिए इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है और माइनस के साइन पे टैप करना है रिमूव करने के लिए। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे ऐड कीजिए, सेव करने के लिए डन पे टैप कीजिए। आपके इस कॉन्टैक्ट में आपको ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना जिसमें स्टार या हैश हो। अगर आप ऐसा कोई नंबर ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट आपकी वॉच में सिंक नहीं होंगे। तो सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। इसके आगे है अदर्स, मतलब की सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन और आपकी वॉच में बजेगा टोन इस तरीके से। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। यहां पे है टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन, तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है अपनी वॉच में, आपको उस फॉर्मेट पे करना है सिलेक्शन और करना है डन। यूनिट सिस्टम और लैंग्वेज आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। ये है डीएनडी, तो अगर आपको डीएनडी का यूज करना है अपनी वॉच में तो आपको यहां पे टाइम को सेट करना है। जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपकी वॉच में डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल्स या मैसेज नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। यह है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो तो आपको इस पे टैप करके टाइमर को सेट करना है। जैसे मान लेते हैं मैंने टाइमर सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि अब मेरी वॉच में हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। अब जितना टाइमर यहां पे कम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी आपकी वॉच में। अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे क्लोज करना है, मतलब कि इसे यूज नहीं करना है। मैं करूंगा इसे डन, मतलब कि अब मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा। लेकिन मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में बड़ी आसानी से मैनुअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं जब चाहे तब। यह है कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में जो भी म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना आपकी वॉच के जरिए तो आपको इसे ऑन करना है। ये है बैटरी सेवर मोड, तो अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है, अगर आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है तो ऐसे में अगर आप इसे यूज करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और आपकी वॉच में रेस्ट वेक का फीचर काम नहीं करेगा। ये है ऑटो लॉक, मतलब की स्क्रीन टाइम आउट, तो यहां पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स। तो अगर मैं अपनी वॉच में डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो टाइमर को, मैक्सिमम है 30 सेकंड्स। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप सेट कर सकते हो 10 या 15 सेकंड, मतलब कि अगर मैंने 15 सेकंड को सेट किया है तो मेरी वॉच में अगर मैं डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यह है रिसेट करने का ऑप्शन, तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपने वॉच में और ऐप में जो भी डेटा है उसे कर सकते हो डिलीट। क्विक व्यू, मतलब की रेस्ट वेक का फीचर, तो अगर आपने इसे ऑन रखा हुआ है तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनोगे और जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर करोगे या कलाई को रेस करोगे ऊपर की ओर तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। यह है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो अगर आपको अपनी वॉच में पानी पीने का रिमाइंडर सेट करना है तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम, मतलब कि सबसे पहला रिमाइंडर आपको कब चाहिए। मैं चाहता हूं सुबह में 9 बजे सबसे पहला रिमाइंडर आए। इसके अलावा आपको कितनी बार पानी पीना है, मैं चाहता हूं 6 बार। और आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं चाहता हूं हर 2 घंटे, तो यहां पे है 120 मिनट। इस तरीके से अब मुझे दिन में 6 बार आएगा पानी पीने का रिमाइंडर, ऐसा होगा हर 2 घंटे के बाद। अगर आपको अपनी वॉच में अपने लोकेशन का वेदर देखना हुआ तो आपको अपनी सिटी को यहाँ पे ऐड करना है। सिटी पे टैप करके आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि अगर है मुंबई तो मुंबई टाइप कीजिए, मुंबई पे टैप कीजिए, मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और ये है एंड में फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब की पीरियड ट्रैकर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे आपको अपना डेटा फिलअप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में पीरियड ट्रैकर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे एंड में है अपग्रेड करने का ऑप्शन, आप यहां से अपने वॉच के फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हो। आपको टैप करके यहां पे चेक करना है, अगर अवेलेबल होगा तो आप यहां से उसे डाउनलोड भी कर पाओगे, लेकिन अब फिलहाल है
अप टू डेट। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको प्रोफाइल के टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहां से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब इस तरीके से। यह है गोल मतलब कि डेली स्टेप गोल, रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं, तो आप यहां से अपना जो डेली स्टेप गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके आगे है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है दो चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप का ऑप्शन। आपके फोन में हो सकता है लॉक का आइकन, ये लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे, और ये है गूगल फिट। तो अगर आप चाहते हो आपका द फिट ऐप में जो भी डेटा है जैसे कि हार्ट रेट, SPO2, स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी, एनर्जी, ये सिंक हो जाए गूगल फिट के साथ, तो आपको इस पर टैप करके करना है कनेक्ट, मतलब कि दोनों ऐप में आप अपने डेटा को चेक कर पाओगे। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप इस पेज पे स्वाइप डाउन करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो इस तरीके से। तो ये है आज का डेटा, आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कैलोरी, एनर्जी और आज का वर्कआउट टाइम। ये है स्लीप डेटा, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो, तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहन रखना है। ये जो स्लीप डेटा है नाइट टाइम में ही मेजर होता है, और जो भी डेटा मेजर होगा आपको यहाँ पे शो करेगा डिटेल में, आप टैप करके इसे चेक कर पाओगे इस तरीके से कि आप कितना टाइम सोए, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम यहाँ पे शो करेगा और आपका स्लीप स्कोर। और आप अपनी वॉच में जो भी वाइटल मेजर करोगे जैसे कि हार्ट रेट और SPO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा, आप टैप करके उसे चेक कर पाओगे इस तरीके से डिटेल में। और आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ, तो यहाँ पे है लुक मोर ट्रेनिंग डेटा का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है, आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे डिटेल में। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 functions। तो अगर आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ करना चाहते हो, तो आप इस पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे, तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑफ, आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इस तरीके से स्वाइप राइट करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे, तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, सबसे ऊपर में यहाँ पे शो किया जाएगा बैटरी लेवल, डेट, डे और वेदर कितना और कैसा है। सबसे पहले टॉगल है बैटरी सेवर मोड का, जो हम देख चुके हैं ऐप में। अगर आप इसे ऑन करोगे, तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें, आप यहां से इसे वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये है थिएटर मोड, अगर आप थिएटर मोड को ऑन करोगे, तो आपकी वॉच में होंगी 2 चीजें, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा। अगर आप यूज करना चाहते हो, तो आपको इस पे टैप करके ऑन करना है, ऑफ करने के लिए टैप कीजिए। टॉर्च को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में इस तरीके से। ये है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में वाइब्रेशन हो, तो इसे ऑन रखिए, अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में वाइब्रेशन ना हो, तो इसे ऑफ कीजिए इस तरीके से। यह है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहां पे स्लाइड करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और ये है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है स्टॉप वॉच, अलार्म, जो भी आपने अलार्म सेट किया आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे और आप उस अलार्म को यहां से ऑन ऑफ कर पाओगे, हालांकि आप यहां से अलार्म को एडजस्ट या एडिट नहीं कर सकते। फिर है टाइमर, और ये है मेनू स्टाइल, तो यहां पे है 2 स्टाइल, एक होता है लिस्ट मतलब कि जो मेन मेनू है आपको इस तरीके से शो करेगा, इसे कहते हैं लिस्ट स्टाइल। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो ग्रिड में, तो ग्रिड अगर आप करोगे, तो आपको मेन मेनू इस तरीके से शो किया जाएगा, इसे कहते हैं ग्रिड स्टाइल। आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, फोन के फीचर को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आप इसे ऑन करोगे, मतलब कि आपकी वॉच में कॉल आप रिसीव कर पाओगे। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है, तो आप इसे ऑफ कर सकते हो वन टैप में। इस तरीके से आप कॉलिंग के लिए ऑन या ऑफ कर सकते हो अपनी वॉच को यहां से। फिर है कॉल रिसेट, तो अगर आप करोगे अपनी वॉच में कॉल को रिसेट, तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें, कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, जो भी आपने कॉन्टैक्ट से हो की है वो सभी हो जाएंगे डिलीट, और जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री है वो भी हो जाएगी डिलीट। आप वाइब्रेशन को और थिएटर मोड को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। इसके बाद है रिसेट करने का ऑप्शन, मतलब कि अगर आप करोगे रिसेट, तो आपकी वॉच में जो भी डेटा है वो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। फिर है स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, अबाउट में अगर आप यहां पे लगातार 5 बार टैप करोगे 1 2 3 4 5, तो आप यहां पे स्पीकर को और माइक को टेस्ट कर सकते हो। टैप करोगे यहां पे,
तो आपकी वॉच में मैक्सिमम साउंड आउटपुट कितना है और स्पीकर ठीक से वर्क कर रहे कि नहीं आप यहां से चेक कर पाओगे, माइक को भी आप यहां से चेक कर पाओगे। अगर ऐसा साउंड हो रहा है मतलब कि आपकी वॉच में माइक ठीक से वर्क कर रहे हैं। QR कोड दिया है दाफिड आपको डाउनलोड करने के लिए जो हम पहले ही कर चुके हैं। होम पेज पर अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट। सबसे पहले है आज की एक्टिविटी, तो आज के स्टेप्स, इसके अलावा आपका स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे सोए, आपका डीप स्लीप, लाइट स्लीप का टाइम, इसके अलावा आपका रिसेंट वर्कआउट का टाइम यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके आगे है कॉलिंग का फीचर, तो जो भी आपने 8 कॉन्टैक्ट्स जो किए आपके ऐप में यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो ये रहे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। डायल पैड के जरिए आप किसी भी नंबर को डायल करके उसे कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। और ये है रिसेंट, मतलब कि आपके पिछले 5 कॉल से यहाँ पे शो करेंगे डेट और टाइम के साथ। अगर आप चाहो तो इन्हें फिर से कॉल कर सकते हो, बस आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। इसके आगे है AI Voice, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट या सीरी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। आपको इस पर टैप करना है कॉल रेलवे इंक्वायरी। इसके आगे है हेल्थ, मतलब कि वाइटल मेजरमेंट, तो आपका हार्ट रेट और SP2 आप यहां से कर पाओगे मेजर। आपको टैप करना है, ये है हार्ट रेट और ये है SP2, तो आप टैप करके इस तरीके से दोनों को मेजर कर सकते हो 1x1। इसके आगे है वेदर इंफॉर्मेशन, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मैक्सिमम मिनिमम और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम और मिनिमम वेदर फोरकास्ट यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके आगे है शटर, उसके पहले आपको दाफिड आपको ओपन करना है। आप ऐप ओपन करोगे तभी ये फीचर काम करेगा, तो ऐप को ओपन कीजिए, फिर आपको शटर पे टैप करना है। तो आप टैप करके या शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर पाओगे इस तरीके से। इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो प्ले कीजिए। अगर म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले कीजिए, इसे क्लोज कीजिए, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम को आप यहां से अप डाउन कर सकते हो इस तरीके से स्लाइड करके। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो मेरे फोन में तो आपको जाना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहां पे होगा BSW 049, उसके सामने गियर का आइकन होगा, उस पर टैप कीजिए और ये है ऑडियो, इसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर मैं म्यूजिक को प्ले करूंगा तो प्ले होगा मेरे फोन में। तो जो टॉगल है ऑडियो का काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, यूट्यूब हो या वीडियो हो, तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में अगर आप इसे ऑन रखते हो तो। अगर आप चाहते हो आपके फोन में आप जो भी मीडिया प्ले करो उसका साउंड हमेशा फोन में प्ले होना चाहिए, तो आपको इसे ऑफ रखना है। इसके आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट, और अगर बात करेंगे मेन मेनू की तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप राइट मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए। इनमें से हम सभी ऑप्शंस को देख चुके हैं ऑलरेडी, जो बाकी है वो है ट्रेनिंग मतलब कि वर्कआउट मोड और गेम। गेम की बात करेंगे तो इसमें है 2 गेम, यंग बर्ड और 2048। बात करते हैं ट्रेनिंग की मतलब कि वर्कआउट मोड की, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 19 वर्कआउट मोड, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे एक कोई भी तो हो जाएंगे 20। हालांकि आपके पास ऑप्शंस है 120 प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लेस कर पाओगे केवल 20। तो किसी भी वर्कआउट को अगर आपको ऐड करना हो तो नीचे आपको मिलेगा प्लस का साइन, टैप कीजिए, कैटेगरी को ओपन कीजिए और आपको जिस स्पोर्ट्स को ऐड करना है उस पर टैप कीजिए प्लस के साइन पे, जैसे कि क्रिकेट, इसके अलावा हॉकी और टेबल टेनिस। तो अगर आप बैक जाओगे तो ऊपर में आपको शो करेंगे नए 3 वर्कआउट मोड, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट। आप जितने ऐड करोगे उतने पुराने नीचे से रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हो तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे शो करेगा आपका वर्कआउट टाइम, कितने स्टेप चले हो, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, ये है रियल टाइम हार्ट रेट और टाइमर। इसके अलावा यहाँ से आप वर्कआउट को कर सकते हो पॉज, रिज्यूम और यहाँ से कर सकते हो एंड। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके ऐप में तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। दोस्तों ये था फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा स्मार्टवॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।